राम राम जी, सारे बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने नए व्लॉग में। और बहुत दिन के बाद मैं नया व्लॉग लेकर आई हूँ। और ये बज रहे 5:30 मिनट का मुँह ये धोया है, उससे मैंने फ़ोन उठा लिया है क्योंकि मेरा काम है फ़ोन उठाने का। और बहुत दिन तक व्लॉग इसलिए नहीं आया थे, आप सभी ने भी रहा है कि मेरे चल रहे हैं पेपर, तो मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना पाऊँ थी कि ये तब व्लॉग भी बना लो कि तब घूम के या फिर पढ़े लो। तो मैंने इसमें पढ़ने वाला चूज़ कराया है क्योंकि पेपर तो देख न फराम हो जाऊँ, जिंदगी भर व्लॉगे बनाने हैं मैंने। और आज है 7 तारीख और हेमा का है बर्थडे, और आज शायद मैं चली भी जाऊँगी घर पे क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैंने यहाँ पर रहते रहते। आज गोविंद जी मैंने लेना आ जाऊँगी तो आप सभी ने दिखाऊँगी आज पूरा दिन क्या करूँगी मैं। हेमा का बर्थडे आ गया, 15 साल की होगी हेमा, इतना छोटू सा बच्चा आया था। योग सच में या ना बहुत छोटी जो गर्भांतर का बालक होया था, इतनी छोटी थी या नीली पड़ रही थी, शीशा में तो काट के लाई थी नहीं। या हेमा, हेमा रानी दे दे छुपा जन्मदिन वाले दिन, आजा 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 आजा, हैप्पी बर्थडे बोलो इसने, सारे बोलो इसने हैप्पी बर्थडे। मेरा लाडू सच में मैंने बहुत बढ़िया लगा है यार, छोरी एक नंबर की है सच में मेरा, नंबर की हाँ ये सच में मेरा कहना मन है क्योंकि मैंने बहुत प्यारी लगा कि मेरी बेबी लाडू रानी। और इसका मैंने गिफ्ट दे दिया, पहला ही दे दिया मैंने बेरा है, लेकिन तुमने फिर सरप्राइज नहीं लगा तुमने दिखा दी सरप्राइज होगा वैसे ना क्योंकि मैं लेकर आई थी यहाँ पे, ले आई थी फिर मैं कहा चल मन दिखाए दूँ उसकी ड्रेस। और क्या करना था, और एक आध दिन को मैं थे थोड़ा चेंजमेंट लेकर आऊँ अपने ब्लॉग में, न्यू ना दिखाऊँ मैं, न्यू करूँ न्यू लेकर आऊँ तो डेली ब्लॉगिंग में तो यो ही हुआ कर थोड़ा बहुत चेंजमेंट यो कर दूँगी मैं आगे के। हाँ शीत मांगन जा, मेरी भैंस कम दे है दूध कम, तो शीत ले करना पड़ेगा दूध, दूध की सदा है वेरा ने क्यों हो गया इसके एकदम। और चेंजमेंट मैं ये कर सकूँ, जैसे अब जाऊँगी मैं कुछ गेमिंग की वीडियो बना लूँ और रही प्रैंक की वीडियो, प्रैंक मैं अब सच्ची बताऊँ ना मैं उनके ऊपर प्रैंक कुछ भी ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे तो प्रैंक हुआ ही नहीं, हंसी आ जाएगी मैंने। लेकिन फिर भी मैं कभी करूँगी तो कोशिश करूँगी, नहीं तो बाय द वे मैं गेमिंग की वीडियो बना सकूँ हूँ कि आप सभी ने इन्जॉयमेंट होगा, कुछ अलग हो जाएगा उस व्लॉग में, तो गेम की ज़रूर ट्राई करूँगी मैं, अब चली जाऊँगी तो आज ठीक है। हाय, छोटी सी थी सच में, मैं बर्तन धोऊँ थी जब यह मेरी बाणी माँ आई ना, तो मैंने को मखाइयों के आ गया और मम्मी इतनी शाल क्यों ओढ़ रही है, शाल उड़काई थी इस टाइम पे, आज सुबह सुबह आ गई थी, रात के 12 बजे हो रही है या 6 बजे अगर रात या रात गई है ना इसमें 12 बजे हो रही है। और बेड पर लुटा दिया मेरी ताई ने, मैंने देखूँ मखाइयों बड़ा किता आ गया यो किसका है, ताई ने कहा तेरी छोटी बाण है, मखा छोटी बाण मखा, एक मेरा भाई था एक और आ गई इविया बीमार बीच में खाया करेगी, सच में मेरे मन में नहीं आया था छोटा सा था, कति बालक नॉर्मल आया करनी या नॉर्मल ना थी, कति छोटी सी थी। तो आप सभी पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी कि चल यार हरी बेग आ गया जना दूध मांगण मारे, अच्छा तू ये ठीक है डोली दर कह मैं आ गया कोई दूध आड़ा आज या इतनी बड़ी होगी इन्होंने कहेंगे करते हुए जब या मरेगी मरेगी क्योंकि अब बहुत छोटी थी कत्ती, अगर ये इसकी जगह छोरा हुआ ना सच में मरेगी, छोरी थी जब अपने सांस ले गए जी की सच्ची बात है, अब बहुत छोटी सी थी कति बंदर का बालक होया कर इसी थी या ठेके नीचे या लिगियों के ठेके गाला थे हम, वो उसे थे काट कट्टा का ठेका था पूरा बुढ़ा साइड में पड़ गया इसके ऊपर ना पड़ गया इस साइड या सो है, जैसे मान लो लेफ्ट हैंड साइड या सो थी राइट हैंड साइड में जाकर पड़ गया वो ठेका कति नू सीधा था इसके ऊपर पड़ता, इसकी किस्मत बहुत बढ़िया है खाली बग्गी होया करे ना, वह बग्गी टायर की इसके ऊपर से चढ़ रही है और इसको कुछ भी ना होया, और वो बग्गी वाला केबल है मेरे आँख के आगे अंधेरा हो गया था
और मशीन इसके ऊपर पड़ रही लते सीमन वाली, उसमें बच रही। सच में इसकी किस्मत बहुत बढ़िया है, जब इन्हें 15 साल काटे है। ई भी इसके कुछ नहीं होता कि मुसीबत आवे, ई भी बड्डी होली टल्ली की मुसीबत। लेकिन मैंने आज भी, आज पता नहीं क्यों मैंने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ हुआ है, क्योंकि आज मेरे सपने में भी पापा आए थे और मैं बहुत टाइट गड़े लगी थी यार, पापा भी लग गया और मैं रोऊँ। मैंने कि पापा आप कितने क्यों चले गए, आपके तो हमने लत्ते भी दे दिए, आप इतने दिन कितने, और पापा का भी आँखा मासू आ रहे और मेरे भी आ रहे, और मैंने मेरे दादाजी भी देखे। पहले हमारे जॉइंट घर था तो कच्ची हुआ थी पौड़ी, जो कर मैं उस पौड़ी में सोन लग रही हूँ दादा गल, क्योंकि मैं छोटी सी थी उस पौड़ी में रहा करती, दादा के साथ में खेल लिया करती, तो मैंने वह पौड़ी दिखा है। सच में तुम यूँ सोचते हो गए कि ना देखिन के घर आड़े है ना कितना इंजॉय कर रहे हैं, यादें ना करते। इंजॉय करना एक अलग बात हो, लेकिन जो इंसान चला जाना, उसकी फीलिंग, उसकी बात, उसकी कमी, उन घर आड़ा नहीं भी रहा हो। यह बात सच्ची है, तुम अपने बात पेरेंट्स ने पूछी हो कि जो इंसान जा रहा है उसके लिए कि तुम इंजॉय करना छोड़ो हो, नहीं छोड़ते थारे तो राजी बोले हैं ना, वो राजी बोले हैं, लेकिन उनकी कमी कदे कोई पूरी नहीं कर पावे। अरे यह सच्ची बात है, 2 दिन हो लिए, 2 दिन आ तो कल तो मैं पूरा दिन 6 तारीख ने रोई थी, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा याद आ रही थी पापा की बहुत। और दुनिया ने सोचे हाँ कि देख कुछ भी ना लाग रहा है इनके, दुनिया का जलन का काम है। मैं तो सीधी मुंह पर पड़ोस में भी कह दिया करूँ जो भी कुछ कह कर, हाँ जो मेरे तो अच्छे से बोलिया करें मैं उन तो अच्छे से बोलिया करूँ, लेकिन जो मेरे तय कवा या फिर मम्मी बतावे, मैंने कह दिया कि जलन वाले का काम जलन का है, ठीक है उनका काम है, उनका हक है जलना, ना जलेंगे तो हम तरक्की कितना करेंगे, हम तरक्की करें जब तवे देख कर जड़े हैं। और हमेशा मैं बोलूँ हूँ मेरे व्लॉग में भी से इंसान है जो व्लॉग ना देखेंगे, लेकिन वे मेरे तक जड़े हैं बहुत है, लेकिन मैंने इस तक कोई परवाह को ना, तुम जड़ी जाओ थारे बाढ़ तो के मैं कर सकते नहीं, अरे मैं करें हैं तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा इंटरेस्ट जो है मैं वो करूँगी, ठीक है। और मेरे बाबू ने माँ बाबू ने ना रोके तो थम की चीज जो रोक दोगे मैंने बनाने में, और बहुत मैं अपने तरीके से तो बहुत अच्छा बनाऊँ, ठीक है। आज इन व्लॉगा के जरिए मैं मेरे पापा ने देख सकूँ, उन मोमेंट में लाइफ टाइम देख सकूँ, तो मेरे लिए व्लॉग बेस्ट है। मैं नहीं थम भी देख सकूँ अर्षिका के पापा ऐसे थे, ऐसे इन्जॉय करा। एनिवर्सरी का लास्ट एनिवर्सरी का भी पड़ा है, 23 साल हो गए मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी ने 5वें महीने की 21 तारीख ने, लेकिन 5वें महीने की 21 तारीख की 2022 की एनिवर्सरी, 2022 साल हो गए थे वहाँ, मैं कभी भी देख सकूँ हूँ, लास्ट एनिवर्सरी थी वहाँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मेरे व्लॉग के साथ जो भी मेरे रिश्तेदार, जो भी यारे प्यारे जो भी हो जुड़ रहे हैं ना, उन्हें मैं कभी भी देख सकूँ हूँ, इसलिए मैंने मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगे। अगर ये मैं सच में रोने लग जाऊँगी तो मैं जाऊँ, बहुत देर का लेक्चर हो गया है, आप सभी ने पसंद नहीं आता होगा क्योंकि इतनी देर के कुछ दिखाती तो है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी मन की बात हो गया, मैंने थोड़ी आज मेरी मन की बात करी है कि मैंने पापा की कमी बहुत महसूस हुआ है, और बगड़ माँ का बैठू जब तक वो, क्योंकि मैं उस टाइम पर जब लास्ट मोमेंट था देखने का, मैं ना बगड़ में बैठी थी और पापा यार है ना आए एकदम और चक्कर आकर पड़े थे मेरे आगे, बहुत कमी महसूस हुआ पापा की। सच में मैं कभी व्लॉग में या फिर कभी भी किसी के आगे नहीं दिखाया करूँ, लेकिन मेरी बताई थी मैंने मेरी शादी वाले दिन भी मैंने मेरी विदाई पर रोना नहीं आया, मैंने जो मेरे पापा का फोटो देखा तब रोना आया था। आज ही माँ का बर्थडे सेलिब्रेट होता, पापा हुए तो कितनी अच्छी तो बहुत। हाँ लाग रही हूँ, ठीक है, टाटा बड़े रहो थम।
आज आप सभी ने मैं फोटो दिखाऊँ हूँ मेरे छोटे से, देखो ये स्कूल में है और जो मैं फर्स्ट टाइम मम्मी के साथ हरिद्वार गई थी। और यह है हेमा रानी, देखो मेरे जी सी लगा है जो पर एम आर में के साथ ही हूँ। और दिखाऊंगी तुमने घर में, यहाँ हूँ मैं, ये मेरा उस टाइम पर दांत टूट गया था। और यो है पवित, और इसमें ये हूँ मैं, यो शायद आठवीं सातवीं आठवीं का है हमारा, देख लो शैलो उड़ रही हूँ मैं। और यो मेरा है दसवीं क्लास का, देखो फोटो। और यो मम्मी पापा की एनिवर्सरी का है, ये एनिवर्सरी का मैंने गिफ्ट दिया था वो है। और ये पापा की है जब शादी हुई थी दूल्हे राजा। और ऊपर तो मैं दिखते होंगे, और ये एनिवर्सरी का पूरा बड़ा फोटो, देखो मैं झूठ ना बोली थी यार, एमआई सी दिखाई दे रही मेरी बाढ़ छोटी सी, देखो इसके कान। और ये है भवित मेरा भाई, या पार्टी बना रही है एल्बम तो फोटो खिल रहे हैं इसके, या मम्मी दुल्हन थी देखो इसी थी। और यो है भवी दौर में, कती एक चीज से लगा क्योंकि हमने सेम ड्रेस पहन रखी थी बालकपन में। यो भवीते हैं एनिवर्सरी के फोटो निकलवा रखे हैं, ये फ़ोन में थे फोटो निकलवाए थे हमने। और यह पार्टी की एल्बम तुम इसमें कदे नहीं लेवाएंगे जब डालवाएंगे। पापा के फोटो, यो मेरा ट्वेल्थ क्लास का है, फ़ोन में था तो यो भी मैंने अपना याद से ही निकलवा लिया था। और देखो ये है मेरे पापा जवानी का फोटो, पहला ही से पुराने फोटो होया करते। और ये है मेरे दादा, और ये है मेरी दादी चंदन और धर्मो। और ये है मेरी फ्रेंड, हम टूर पर गए थे 11वीं क्लास में। ये मैं दामन पैर के आज मैं ठाली थी, सोचा कि मैं फोटो दिखा दी हूँ, ऐसी थी देखो सारी वीडियो बनाने वाली। और ये यारी मैं छोटी सी, देखा कहूँ तीन मैं बोली थी एक जिसे से लागा, हाँ क्योंकि सेम ड्रेस है हमारी। यह है दादी, वो है दादा, ये है यू मेरा पापा, ये है ताऊ। और यारी मैं देखो ये फोटो जो है ना खा रखा है, यो है इतना प्यारा लग है। अरे यो भवित है, सेम ड्रेस दोनों की, मम्मी ने बचा कर दर रखी थी बड़का की। और ये है पापा के फोटो ट्रैक्टर के साथ में, या मेरी मम्मी की देखो कटिंग, उस टाइम पे इसी कटिंग होया करती। ये हो रहा मेरा फोटो देखो, क्योंकि रासू हूँ मैं, वाह तेरी स्माइल है। और मम्मी ने देखो पर साइड में पर्स टांग रही है, उस टाइम पे इसी शाड़ी होया करती पैर। तो आप सभी ने देख ली होगी एल्बम, मेरा मन करा था दिखा दूँ क्योंकि मैं घर पर बैठ कर बोर हूँ थी और कुछ नहीं है वैसे तो, क्योंकि मैंने कुछ काम निकलाया, मैंने जाना पड़ेगा घर पर दिन में, तो मैंने सब्जी की तैयारी कर दी। हमेशा की तरह ही होया कि सब्जी बनाना, तैयार होना, खवा पियाना और फिर जाना। और हेमा का बर्थडे सेलिब्रेट, मे बी हम कुछ ना कर पावा तो सोचा, इसलिए मैंने आप सभी ने मैं यो ही दिखा दियो हूँ। एक इसने देखो ये ला लिया भूत बन लिया सुबह सुबह भूतनी जी। यो मैंने फेस पे ला रखा था देखो, कागज सा के बन गया यो। अच्छे तो बोल मुझे कब जुलाई में 17 जुलाई का मेरा, तेरा कब जुलाई का है? इसका तो गया 27 का था, गया तेरा जन्मदिन, तेरा गया तेरा जन्मदिन तो जुलाई में है। के नाम है तेरा?
कितनी प्यारी, वाह कितनी सुंदर छोरी है। अरे का ई का के मिस्टर बीन है। अरे इसका कारण बस हेमा कुछ बोलना चाहो तेरे जन्मदिन के बारे में। बस बोलना है के बोलूं मैं कुछ नहीं। यो ई का जन्मदिन है, एपिसोड देख के अपना बर्थडे कार्ड ही लग रही है। छठी पनीर की सब्जी बना दी है, खा लिए ठीक से। तैयार होली थी और मैं आ गई हूँ सीधी छत पर, दिखाऊं तुमने वीडियो बनाते ही। दिखाइए माँ मेरा रूप देख लो। और ये चुन्नी बार बार मैं न्यू करी है कैमरे ने, ये चुन्नी बार बार मैं रपटन लाग रही है। चुन्नी बहुत सॉफ्ट है तो ये फिसल रही, चुन्नी बार बार में फिसला है, बहुत ठीक नहीं। मैंने इसका बहुत घी प्यार रखा, देखो सच में सतरी लग गई ऊपर, तो हवा चलन लग रही है। बहुत अच्छी मेरी वीडियो बनाया है। और तुमने चैनल नहीं मेरा तो मैं बताऊँ, इंस्टाग्राम पे है हर्षिका शोरान 836 और जाट जाटनी 836 नाम पे है। जाकर मेरी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा करो, ये जो मैं सूट डाल लूँ इनकी सारी वीडियो मैं वहाँ पर बनाया करूँ। देख मेन चीज़ छोरी है कि चार्जर अपने बैग में गल लो करना के, तो मेरा बैग पहले ही फुल हो चुका है। मेकअप किटी वह तो रहा है रखनी, सूट रह रहे। अरे बैग में खाली मैंने मेरे पुराने कपड़े धरे हैं, जीन्स टॉप वगैरह जो भी मैं डाल लिया करूँ वे रखे हैं मैंने। और एक बैग और बनेगा ही वह। अरे सूट भी माँ नाई भी ना, देख सुबह की आड़े बैठी है जन्मदिन यूँ काट डे माँ। हाँ और वे का है माँ का गिफ्ट, ए माँ देख नाई दोई तो है नहीं सुगली। BTS का कप वाह बहुत सुथरा है। और भी तो होगा तुम्हारा को ना, BTS का छल्ला भी तो था घर में। BTS का छल्ला भी था, उन्हें तो छल्ला भी दिखा रखा था। एमा का छल्ला भी था, कोई ना यो है इसने BTS पसंद है तो उनके साइन है ये देखो। और ये है क्या है, यो आइसक्रीम है और इसकी चॉकलेट है। अरे एक इसकी ड्रेस हो गई है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, गिफ्ट BTS। ईब खुश हुई है पूरा दिन, ईब ये जानते ही होगे रेडी ना सारा सामान। हाँ हाँ क्यों चूड़ी बनवा लागी तार देंगे साइड में टांग ली, मत टांग कर रहे हैं देने में ठीक लग रहे हैं बुड्ढी लग रही है। देखिए जरूर दुखी हो रही चुन्नी में, ते अपन तो डांटी हूँ तो डटर की है ना, देखिए गुज्जा सा हो रहा है। हर्षी ये फोन हमने दे जा अच्छे तक है के मुंह पर तू थोड़ी पीछे हो गया बैठ, ये फोन हमने दे दे भाई जाइए कभी। माँ का बर्थडे मैं वहाँ पर तो सेलिब्रेट ना कर पाई, अड़े कर दी हूँ आ गई थी मैं घर पे और सो भी दिया।
और ये देखने लग रही है मूवी खाने पापा की कलर गल दोनों हेमा का बर्थडे बन गया है हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे हेमा रानी। मैंने सब्जी तो काट दिया का छोकूंगी और मैं जाऊँ गौशाला। कौन सी गौशाला हम जावांगे? गोच्छी वाली में। गोच्छी की स्पेशल है, पहली बार जाऊंगी तो आप सभी ने मैं दिखा दूंगी। और मैं आ गई हूँ घर पे, तो लग रही है वहाँ बेटा घालने गई हूँ गौशाला में दान करने ते। यागी गौशाला ये मुर्गियां देखने आ रहे हैं। और ये मनाली आए हैं उल्टे शीशे में देखो हुआ तो गाइस मैं इसने ले आया हूँ आज फिर फोन कर कर दुखी कर लिया मैडम ने। मेरा तो रिचार्ज खत्म हो रहा है झूठे। नेट का कोनी? नेट का मैं डाटा में ना रहता, नेट को कॉल करूँ। सारा दिन ऑनलाइन बैठी रहा भाई साहब, झूठ बोला है। ऑनलाइन फोन कर कर दुखी कर लिया। जनता ने ले रहा है कि कितनी पढ़ाकू है छोरी, ब्लॉग भी नहीं डालती तेरी जनता बड़ी। इलेक्शन में उठ रही है तू। ठीक है गाइस, टाटा बाय बाय। आप अपना फेस तो दिखा दो, के बात है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप करो अरेंड मेरे तो दिखा के करो, गलत बात है आपकी। मैं बोल के बोल इंट्रो मने थोड़ी करे, इंट्रो है अगर जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो या करे एंड आप करो हो, फेस मेरा दिखाओ ना। एक नंबर का दिमाग काम कर रहा है कटी। मेरी बेइज्जती कर रहा है, इतनी मुंडी बेइज्जती मना कर रहा है। मैं एंड कर लूंगी ठीक है ना। अच्छा न्यू ना है के? चल ठीक है, शाबाश बेटे, ले शाबाश। थैंक यू कटी देव।